ਵੱਡੀ ਖਬਰਦਾਰ ਰੁਕ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ 'ਚ ਨਕਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸੁੱਟਣ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 6 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 4 ਗੱਡੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਣੇ 2 ਲੈਪਟਾਪ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਰੂਪਨਗਰ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ 'ਚੋਂ 3000 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। लगातार वैक्सीन का जो मामला है लगातार गरमाउंदा जा रहा है ते 2 करोड़ की राशि सने 2 लैपटॉप जो ने वो बरामद किए ने मुलजमान के कोलों। रूपनगर की असी गल कर रहे हैं। भाखड़ा 'च नकली वैक्सीन सुट्टन ते वड्डी कार्रवाई की गई है। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस दे नाल ही जेकर वैक्सीनेशन की गल करिए वैक्सीन जो सी वो नकली सी। तस्वीर तुसी देख सकते हो जो नकली वैक्सीन दी तस्वीर ने ये भागना नहर च सिटी गई सी जिसनों पुलिस ने बरामद करके लोगों को गिरफ्तार किया है। 6 लोगों 2 करोड़ की राशि भी फड़ी गई है मुलजमान के कोलों। 3000 के करीब जो वैक्सीन के टीके सीगे जो बरामद किए गए हैं रूपनगर पुलिस वालों। रूपनगर तो साढ़े पत्रकार बिमल कुमार साढ़े नाल जुड़ चुके ने। जी बिमल, जेकर गल की जाए ये वैक्सीन नकली जो है ये आई कितों सीगी ते पुलिस वालों किस ते आधार ते किस इनपुट ते इसनू बरामद किया गया? जी करीब महीना पहला जिहड़ी हैगी है रोपड़ दे नाल भाखड़ा नहर दे विच जिहड़ा है चमकौर साहिब च नकली वैक्सीन जिहड़ी है काफी भारी तादाद दे विच मिली सी और जिहदी पुलिस वालों छानबीन की जा रही थी क्योंकि काफी वड्डी मात्रा दे विच उत्थे वैक्सीन जिहड़ी सीगी मेडिसिन जिहड़ी सी सुट्टी हुई सी और SSP रूपनगर वालों जिहड़ी है एक सिट का भी गठन किया गया सी कि इहदा पता लगाया जाए कि वैक्सीन कित्थों है ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है किस वालों सुट्टी गई है। सो इहदी छानबीन दे तहत जिहड़ा हैगा SSP रूपनगर दी जिहड़ी टीम सीगी इहने उस वैक्सीन के उत्ते जिहड़ा एड्रैस सी उहदे ते पहुंच की और छानबीन की तां पता चलिया कि एक जिहड़ा मेन डीलर हैगा उही उहदे नाल 6 बंदिआं दे होर तार जुड़े हुए ने। इह जिहड़े है सप्लाई जिहड़ा है दिल्ली चंडीगढ़ दिल्ली और पंजाब दे विच हरियाणा दे विच जिहड़ा है सप्लाई कर रहे सी। सो इन्होंने मेन डीलरां नूं जिहड़ा हैगा सप्लाई कीता सी और जिहड़े हुण छोटे डीलर ने ਉਹ ਮੇਨ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਗਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫੜੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 6 ਆਰੋਪੀ 2 ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ 4 ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਢਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਫੜੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਆਰੋਪੀ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਆਰੋਪੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰੋਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲੇ ਕਿ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਹੈ ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਛਾਣਬੀਨ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ। ਬਿਮਲ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀਗੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਮਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। जी बिल्कुल बिल्कुल आरोपी ने खुद मन्या जी कि 5 करोड़ तो वध जिहड़ा है वह कमा चुका है ते 10 तो 12 हज़ार के करीब जिहड़ी वैक्सीन हैगी है ये वेच चुका है। सो इहदे दसण दे मुताबिक ते 5 करोड़ जरूर है या वैक्सीन का जिहड़ा दस रहा 10 तो 12 हज़ार हो सकता है तो कितने वध के भी हो गए। सो जिहड़ी हुण भी इन्हां कोल हुण भी जिहड़ी रकम रिकवर हुई है 2 करोड़ के करीब हुई है। सो किते ना किते बड़ा वड्डा रैकेट हैगा इह जिहदी पुलिस वल्लों जिहड़ी है जांच जिहड़ी है तेजी नाल करनी चाहीदी और इह रैकेट दे तार किथे किथे जुड़े हुए ने अगर उहदी जांच की जाए तां कई मछलियां इस जाल दे विच फस सकदियां ने और सच्चाई जिहड़ी है जनता दे सामने आ सकदी है। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਡੀਲਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਮਲ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਇਸ ਨੈਕਸਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ खिलवाड़ किया जा रहा एक वड्डा मामला मन्ने जा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद तुसी अहम जानकारी दिती है।
ये जो 6 मई नू भाकड़ा कनाल दे लगभग 3000 दे करब टोटल वायल्स जो है जिस चे रेमडेसिविर सिफेपरेजोन एंटीबायोटिक और बाकी अनलेबल्ड वायल्स जो रिकवर हुई सी इस दे बेस ते पुलिस ने पर्चा रजिस्टर करके SIT बनाई। SIT ने काफ़ी 1 महीने तो भी ज़्यादा डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के बाद केस नू वर्कआउट किया है। इस चे बेसिक मोडस ऑपरेंडी यह निकल के आई है कि जो मेन एक्यूज्ड है मुहम्मद शावर ते इहदे बाकी जो एसोसीएट्स हैगे है इन्हां नू फार्मास्यूटिकल लाइन का एक्सपोजर सी एक्सपीरियंस सी लगभग 5 साल का इन्हों को एक्सपीरियंस सी तो इसने अपनी मार्केटिंग फर्म का जो है यूटिलाइज करके एंटीबायोटिक वायल्स जो है वो प्रोक्योर की। एपरेंटली उन्होंने 2-3 कॉन्टैक्ट्स के थ्रू ही काम किया है। उन्होंने फर्दर आगे कितने कितने दिता हैगा ये इट्स ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन और एज ऑफ नाउ इट्स डिफिकल्ट टू असरटेन क्योंकि इंडिविजुअली वो वायल्स कितने कितने गई क्योंकि पीक टाइम से अप्रैल से मई से वो चीज़ यूटिलाइज हुई है। सर इतने जो कारण दस अप्रैल के महीने से काफ़ी इस सीरियसनेस देखते हुए हरियाणा पुलिस ने दिल्ली पुलिस ने काफ़ी वर्कआउट किया उसते काफ़ी एक्शन होने करके ये भी पैनिक कर गए तो पैनिक रिएक्शन करके दे डर के मारे कि अभी फड़े जाएंगे। इन्होंने सोचा कि जो इन्हों को रेजिडुअल हूँ भी जो बनी हुई वायल्स है जो बाकी समान पड़े हैगा उन्हों डिस्पोज ऑफ किया जाए तो उस करके डर के मारे इन्होंने 5 मई नू जिस दिन रिकवरी हुई और परचा होया उसके 1 दिन पहला इन्होंने 5 मई नू उत्थे जाके डिस्पोज ऑफ किया।